ड्रोन इरिगेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि ड्रोन से सिंचाई हम कैसे कर सकते हैं। जो अपन क्या करते हैं, स्प्रे टंकी के साथ अपन जो छिड़काव करते हैं उसमें हमको हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होती है, ठीक ना। लेकिन बहुत सारे किसानों को ऐसा रहता है, देखिए, या फिर पानी वाला एरिया हो गया, जैसे कि धान हो गया, या फिर किसी प्रकार के हम फसल पर अपना छिड़काव कर रहे हैं, या फिर हो गया बागवान जिसमें हम बहुत बड़ा बड़ा अपना पेड़ है, तो उसमें हम कैसे छिड़काव करेंगे। बहुत महंगे तो मशीनें आती हैं, बट हम इसको ड्रोन इरिगेशन सिस्टम के साथ हम कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाई, आज हम जानेंगे इस वीडियो पर कि ड्रोन इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे इस ड्रोन के बारे में कुछ बेसिक चीज। अभी अब बात करते हैं कि इस ड्रोन का नाम क्या है। देखिए, बैकग्राउंड पे जो चल रहा है, इस ड्रोन को हम किस नाम से बोला, इसका भी नाम है ना, इसका नाम है हेक्साकॉप्टर। ठीक, आपको ये भी बता दूं, इसमें आपको 6 पंखे देखने को मिलेंगे। इसमें जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइप्स का आता होगा ड्रोन, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसमें जैसे बड़े बड़े टंकियों के साथ, जैसे आपको जो आज मैं आपको इस वीडियो पर बता रहा हूँ वो 12 लीटर का टंकी है, ठीक, इसमें स्प्रे करने के लिए। बट इसके लिए आता है 15 लीटर भी आता है, 18 लीटर भी आता है, 16 लीटर भी, इस प्रकार से बहुत सारे टाइप्स ऑफ ड्रोन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो किसी भी टाइप्स का ड्रोन परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो पर मैं आपको इस वीडियो पर ये भी बताऊंगा कि इसका प्राइसिंग क्या रहता है एंड इसमें सब्सिडी हमारे किसानों को कितना मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रोन पर कितने लीटर का टंकी दिया हुआ, इसमें आपको बताना चाहूंगा 12 लीटर का टंकी है। और आपको ये भी बता दूं इस वीडियो में कि देखिए, 10 लीटर जो अपना पानी रहता है ना, उसमें हम एक एकड़ का छिड़काव हम इजिली कर सकते हैं। इसमें आपको 6 नोजल मिलेंगे जो प्रोपेलर गार्ड के बगल में, जैसे आपको बताना चाहूंगा बैकग्राउंड पर, देखिए आपको समझ आ जाएगा, जहाँ पर से अपना पंखा है ना, उसी के नीचे से अपन को स्प्रे करने के लिए एक एक रॉड दिया हुआ है, उसमें सारे में नोजल लगा हुआ है और उसी की दवा छिड़काव होता है। इसके लिए जो अपन जो टंकी पे पानी भर रहे हैं, ठीक, अपना दवा घोल करके, तो आप ये सोच रहे होंगे वो कैसे अपने नोजल तक पहुंचेगा। इसमें एक हाई प्रेशर वाला जो वाटर पंप रहता है उसका उपयोग किया गया है, जिससे क्या होता है कि चारों 6 अपने नोजल पास जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है कि अपना छिड़काव अच्छे से होता है। इसको आप सेट भी कर सकते हैं किस प्रकार से आपको छिड़काव करना है, पतला करना है तो पतला हो सकता है, या फिर घना करना है तो घना हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग आप किस एरिया पर छिड़काव कर रहे हैं एंड किस कैसे आप छिड़काव करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको ये कितना दूर जाता है, कितनी ऊंचाई और उड़ता है, 15 फीट तक ये उड़ सकता है। और आपको ये भी बता दूं, इसको आप 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ले जा सकते हैं, बट आपको ये भी बताना चाहूँगा आप ना 5 फीट से ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि 5 फीट ऐसा एरिया है ना कि देखिए 5 फीट पर जाएगा दूरी में तो आपका जो स्प्रे कर रहा है वो सही तरीके से होता है स्प्रे। अभी अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की। इसमें बैटरी आपको बताना चाहूँगा, बैटरी पे आप 1 एकड़ का इरिगेशन आप कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 एकड़ हम कितने टाइम के लिए करेंगे। 7 मिनट बैटरी चलता है ये, जो आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए, 7 मिनट चलता है एक बैटरी ये ड्रोन को उड़ाने के लिए। और आपको बताना चाहूँगा 7 मिनट में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 ही मिनट ही चलता है। और हमारे किसान भाई को यही बोला, इसमें GPS का भी सुविधा दिया गया है। GPS क्या करता है, एक बार में आपका पूरा प्लॉट का मैप तैयार कर लेगा। ड्रोन में आपको ये भी सुविधा देखने को मिलती है, इसमें आपको कैमरा मिलता है जिससे आप अपने रिमोट में भी आपको डिस्प्ले का साथ ही मिलता है। इसमें कोई आपको एक्सटर्नल या स्मार्टफोन या फिर डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है, कैमरा लगा हुआ है, जैसे आप देखते जाएंगे प्लॉट पर कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, बैठ करके एक ही जगह से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो मोड भी दिया जाता है, जैसे आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड अगर आप ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है कि अपने जो भी प्लॉट है उसमें जाकर के स्प्रे करके वापस जहाँ पर से आपने फ्लाई किया था उसको वहीं पर जाकर के वो लैंड करता है। और आपको ये भी बता दूं मैं इस वीडियो में कि देखिए, जो बड़े किसान हैं, जो बड़ा बड़ा उनका खेत है, तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, समय की बचत होती है, प्लस इसमें क्या होता है बिजनेस आइडिया भी आपको देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं वीडियो की एंडिंग में कि इसकी प्राइसिंग की, इसमें क्या प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको 4 लाख का लगभग ये पड़ता है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी लाया हुआ है, 100% तक सब्सिडी है, ये आपको 4 लाख के लगभग पड़ेगा, ठीक, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो। बट आपको इसको गवर्नमेंट का अगर सब्सिडी लेते हैं 70% सब्सिडी, उसके बाद क्या पड़ता है कि 1,20,000 रुपये। ये बहुत ही बेस्ट, इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ड्रोन के बारे में किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में पार्ट 2 ले आऊँगा। चलिए किसान भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। चलिए किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही।